धनबाद जिला बागमारा प्रखंड के अंतर्गत बांसजोड़ा पंचायत के पिपराटांड गांव में जनवरी 2013 से एनएम नहीं आने के कारण बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण नहीं हो रहा है। यह समस्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण है। हम लोग को एक साल चार महीना से भी टीकाकरण नहीं हो रहा। कभी काल हम लोग लेते हैं सहना तो वहाँ भी कुछ बच्चा को पड़ता है, कुछ बच्चा घूम कर चलाता है, तो कभी ले जाना पड़ता है बघमारा। BCG जो है जितना बच्चा है सबका BCG बघमारा ले जाते हैं। तो BCG तो हफ्ता में एक ही बार खुलता है बघमारा में, तो जो गरीब है तो ठंडा दिन में ठंडा लग रहा है बच्चा को, बरसा के दिन में पानी बरसा है, गर्म का दिन में गर्म लगता है बच्चा, इन लोग को तो आने जाने में दिक्कत होता है बघमारा। जैसे कभी लेते नावागढ़, कभी सहना, कभी पुड़वा पीठा, कहीं से दिलाते हैं तो पर भी बहुत बच्चा छूट जाता है। जैसे 10 बच्चा है तो 10 बच्चा में 3 बच्चा को टीकाकरण हुआ तो 7 बच्चा छूटता है। मेरा 6 महीना होने जा रहा है, अभी तक मेरा कुछ नहीं सरकारी सुविधा मिला है और मेरा जच्चा बच्चा कार्ड भी नहीं मिला है और 6 महीना होने जा रहा है, एक को भी टीका भी नहीं लगा है। सहिया दीदी लोग आती नहीं है? कहाँ आती है, एनएम यहाँ पर नहीं आती है, आंगनबाड़ी में एनएम नहीं आती है। वो आती है, बोलती है तो फिर जाते हैं तो फिर घूम के आना पड़ता है, दिक्कत पड़ता है जाने जाने में। यहाँ पे एनएम दीदी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि सहिया लोग हमेशा जाती है बूथ और वहाँ से रिटर्न होके आ जाती है। हम लोग को जैसे किशोरी लोग को पेड मिलना चाहिए, आयरन गोली मिलना चाहिए, लेकिन वो हम लोग को सही टाइम पे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि एनएम दीदी नहीं है। इसलिए सहिया लोग भी जाती है हमेशा और रिटर्न आ जाती है, मिलता ही नहीं, क्योंकि मेन बात यही है कि वहाँ पे एनएम दीदी है ही नहीं, जिसके वजह से सहिया लोग को वो चीज़ उपलब्ध नहीं होता। और अगर सहिया लोग के पास नहीं रहेगा फिर किशोरी लोग के पास कैसे आएगा? हम लोग जब जाते हैं सहिया दीदी लोग के पास मांगने के लिए तो रिटर्न आ जाते हैं। उन लोग हम लोग को रीज़न बताती है कि एनएम दीदी वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये सामान नहीं आया। मैं आंगनबाड़ी केंद्र पिपराटांड 1 की सेविका हूँ। कितना दिन से आंगनबाड़ी चल रहा है? आंगनबाड़ी 2005 से आंगनबाड़ी का संचालन कर रही हूँ। 2013 तक टीकाकरण हुआ है, उसके बाद होता है लेकिन बाहर स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण होता है, यहाँ के मरीजों को वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, बाकी जो किशोरी और धात्री माताओं को, गर्भवती माताओं को जो सुविधा मिलना चाहिए आंगनबाड़ी से, वो मिल पाती है? आंगनबाड़ी से जो है स्वास्थ्य जांच का सुविधा नहीं मिलती है, बाद बाकी सब चीज सुविधा मिलती है और वो भी यहाँ नहीं आती है तो हम लोग बताते हैं कि जाके स्वास्थ्य केंद्र में करवा लीजिए और सहिया भी ले जाती है। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ कि आप हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को संपर्क नंबर 94 31 23 82 83 पर कॉल कर दवा बनाएं ताकि यहां पर एनएम जल्द से जल्द आए और बच्चों का टीकाकरण हो। मैं भारती, पिपराटांड गांव, बागमारा प्रखंड, जिला धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।